नाम पे पीछे से नहीं निकला अभी तक, नहीं बोल रहे क्या हुआ? पीछे से निकल रहा, हिला रहे विवेक सर। आजा भाई बेले। हाय गाइस, सॉरी यार दूसरे फंक्शन से आ रहा था, ज्यादा लेट हो गया। या थैंक यू। यार सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, मैं काफी लेट आया हूँ, दूसरे फंक्शन के लिए गया था। वो आज अल्टीमेट टेबल टेनिस का सेमीफाइनल था, तो वो लॉन्च करने गया था, उसे सपोर्ट करने गया था। तो वहाँ से आते आते थोड़ी देर हो गई, लेकिन अंदर जाके खूब आज पार्टी करना है, खूब एंजॉय करना है। इनसाइड एज का पूरा सक्सेस इनसाइड जाके मनाना है। हाँ ऋचा भी मेरे साथ फ़ोन पे लगी हुई थी कि कौन पहले पहुँचेगा, तो और फरहान भी आज लेट हो गए हैं, तो देखना पड़ेगा आज सबसे लेट कौन आता है उसको सबसे बड़ा प्राइज़ मिलेगा लगता है। हाँ यार बहुत खुशी हो रही है, जब भी आपके काम की तारीफ होती है, आपके फिल्म की, आपके शो की तारीफ होती है, तो अच्छा ही लगता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इसका एक बज़ क्रिएट हो गया है, ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि उन देशों में भी जहाँ पे हमारी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, क्रिकेट के बारे में कोई जानता नहीं है, इटली जैसे देश, पोलैंड जैसे देश, वहाँ पे भी ये फिल्म, ये शो जो है इनसाइड एज बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं, अमेज़ॉन ने एक प्रेस रिलीज निकाली है कि इट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, तो बहुत मज़ा आया है एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग। अगर मैंने इनसाइड एज प्रोड्यूस की होती तो मैं इतना पैसा बना लेता कि मैं एक क्रिकेट टीम खरीद लेता, बट हाँ यार एक्साइटमेंट तो है ही कोई भी स्पोर्ट्स टीम का पार्ट होने में। एक मुंबई मैवरिक्स के अंदर जो इनसाइड एज की क्रिकेट टीम है उसका तो मालिक हुई, सो आई विल हैव फन एंड एंजॉय दैट फॉर राइट नाउ। मैंने एक अपनी अभी एक बहुत बड़ी तमिल फिल्म की है विवेगम, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनली शॉट एक्शन थ्रिलर है, स्पाई थ्रिलर फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, अजीत कुमार के साथ जो वहाँ के एक लेजेंडरी सुपरस्टार हैं, और वो फिल्म रिलीज़ होगी अगस्त के महीने में। उसके पोस्टर को भी लेके काफ़ी चर्चा हुई है, उसके गाने बहुत हिट हो गए हैं ऑलरेडी तमिल इंडस्ट्री में, और अभी थिएट्रिकल ट्रेलर का भी बहुत उत्साह है लोगों में, तो उसका भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई बी प्रमोटिंग दैट इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड होपफुली दैट फिल्म विल रिलीज एंड डू वेल। किशन जल्दी, ये 3 अगस्त को रिलीज होने वाला है, 3 अगस्त को रिलीज करने वाला है ट्रेलर जी। नहीं ऑफकोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है आपने, दोनों असम गुजरात दोनों जगह बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, और मुंबईकर को सभी को याद है जब मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तो कितनी बुरी हालत हुई थी, तो हमें सबको मिलके पूरे हिंदुस्तान को मिलके हमारे दोस्त जो हैं असम में और जो गुजरात में हैं उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का काम करना चाहिए। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि किस तरह से इसमें जुड़ जाएँ और किस तरह से गवर्नमेंट की, प्रशासन की, लोगों की, एनजीओस की किस तरह से हाथ बढ़ाया जाए अच्छे काम में। जी 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 नहीं बहुत खुशी हुई है कि पकड़ा गया है और बहुत अच्छा लगा कि इतना स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। ग्रैंड मस्ती के जहाँ तक बात थी, पूरा सिस्टम नया था, तो सीखना, समझना, किस तरह से लीक हुई है, उस लीक को रोकना, उसमें बहुत टाइम लग गया, और जब तक हम कुछ कर पाए तब तक डैमेज हो चुका था, पर उसकी वजह से एक सिस्टम सेट हो गया। और INB मिनिस्ट्री बहुत सीरियस है, राज्यवर्धन राठौर जो बहुत यंग और डायनेमिक मिनिस्टर हैं वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और आई थिंक उन्होंने इस पर बहुत बढ़िया काम किया हुआ है एंड आई विश देम द बेस्ट। इस तरह से ऐसे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट होगा, पायरेसी को रोकने में हम कामयाब होंगे और जो लोग पायरेसी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब होंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होगा। टॉयलेट एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत पावरफुल मैसेज है, अकी ने एक बहुत ही
बढ़िया एक कदम उठाया है इस फिल्म के जरिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देने का, तो उस फिल्म को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए, और पारसी को सपोर्ट मत कीजिए प्लीज़। जी है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी, और उससे एक फिल्म में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है, उसे एक फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी उस पर करीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, और इतनी कहानियाँ सिर्फ कही सुनी नहीं, देखी भी हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है वृंदावन में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे हमारे 3 स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो अब्यूज्ड बच्चे हैं, जिन्हें फिज़िकली सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, खासकर छोटी बच्चियाँ, 5 साल से 15 साल की उम्र की बच्चियाँ, जिन्हें गांव से चुराया जाता है और मंडियों में बेचा जाता है, उन बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ हैं, और कभी कभी अंदर की जो एक इंसानियत है वो हिल जाती है देख के कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होप जारी रखनी पड़ती है, उन्हें हम पढ़ा लिखा कर कुछ लाइफ में एक मौका, एक चांस, एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। अब 2000 के करीब बच्चियां हैं जिनको हम फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं, तो उसी में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। मुझे पक्का है कि किसी एक दिन कोई एक कहानी को फिल्म पर ज़रूर लाऊँगा। मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल कॉल है, ये फैमिली का कॉल है, माँ बाप का कॉल है, उनका डिसीशन है। बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, एरिएटेड ड्रिंक्स पीना, वो बच्चों के लिए बहुत बहुत बुरा है। अब आप उसे बैन कर देंगे, या फिर आप उसे एक माँ बाप का डिसीशन और अवेयरनेस के ऊपर छोड़ेंगे, ये एक सोशल डिसीशन है। थैंक यू सो मच।